अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप साफ खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर हाफिज़ मोहम्मद कासिम और ये कोर्स है पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स। हमारा आज का टॉपिक है टैक्सेस एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट को अपना काम करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट के डिफरेंट सोर्सेज तीन टाइप्स के हैं। बोरविंग करती है गवर्नमेंट, बोरविंग में एक्सटर्नल बोरविंग है और इंटरनल बोरविंग है, और एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जो सोर्स है वो टैक्सेस है। तो हम देखेंगे कि टैक्सेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टैक्स क्या है। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट रेवेन्यू लिविड बाय द गवर्नमेंट ऑन वर्कर्स इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट और एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांजेक्शन। सिंपल वर्ड्स में टैक्स इज अ मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये वो पैसे हैं जो लोग, जो किसी मुल्क के सिटीजन, किसी किस मुल्क के शहरी अपनी गवर्नमेंट को पे करते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यहां पर तीन टाइप्स हैं मेन टैक्सेस की, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, प्रोपोर्शनल टैक्सेस एंड फ्लैट टैक्सेस। इन टैक्सेस की डिटेल हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या फर्क है। डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टैक्सेस कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अ डायरेक्ट टैक्स इज वन दैट टैक्स पेयर पेज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। दीज टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन और ग्रुप। जो भी टैक्स की अमाउंट हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनकी एग्जाम्पल्स में इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह शामिल है। दूसरी टाइप है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स इज वन दैट कैन बी पास्ड ऑन और शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन और ग्रुप बाय पर्सन और बिजनेस दैट ओन्स इट। ये ऐसे टैक्सेस हैं कि जो हम डायरेक्टली पे नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स टैक्स, जो कि जब हम प्राइस पे करते हैं तो उसकी प्राइस में शामिल कर दिया जाता है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव टैक्सेस वर्सेस रिग्रेसिव टैक्सेस। अब हम देखेंगे कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेस क्या हैं। अ प्रोग्रेसिव टैक्स इज डिफाइंड एज अ टैक्स हूज रेट इंक्रीज एज द पेयर्स इनकम इंक्रीजेस। दैट इज इंडिविजुअल हु अर्न हाई इनकम्स हैव अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम्स टेकन टू पे द टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेस ऐसे टैक्सेस हैं कि जो कि इनकम के इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होते हैं। ऑन द अदर हैंड अ रिग्रेसिव टैक्सेस इज वन whose rate increase as the payer taxpayer's income decreases. हमारी तीसरी टाइप जो है वो प्रोपोर्शनल एंड फ्लैट टैक्सेस की है। अ प्रोपोर्शनल टैक्स इज वन वेयर द अमाउंट यू पे इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच यू हैव। You will also hear people refer to this as a flat tax. For example, imagine you live in a state with a flat income tax of 5%. Each taxpayer will pay 5% of his or her taxable income. Since everyone is paying a proportional amount of their income, this is the proportional tax. Taxes on income and earnings. The three types of taxes above describes system of taxation.
The following are the example of the taxes you actually pay in your daily life. अब हम तमाम जो टैक्स सिस्टम है उसकी एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल पहली जो टाइप है वो फेडरल इनकम टैक्स है. इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन योर इनकम वेजेस एंड अर्निंग. द फेडरल गवर्नमेंट यूजेज अ प्रोग्रेसिव टैक्स विद अ 7 मार्जिनल टैक्स रेट्स. इट कलेक्ट्स इनकम टैक्स ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर्स. फॉर मोस्ट पीपल इनकम टैक्स comes out of your paycheck. If you are self-employed or a freelancer, you will probably need to make estimated tax payments each quarter. बहुत आसान लफ्जों में जो भी हम अर्निंग करते हैं, अगर हम सैलरीड हैं तो अपनी सैलरी पे कुछ अमाउंट पे करते हैं, और अगर हम बिजनेसमैन हैं तो अपने प्रॉफिट्स पे, अपनी इनकम पे जो भी टैक्स पे करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, पाकिस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है उसको टैक्स पे करते हैं. दिस इज कॉल्ड द फेडरल इनकम टैक्स. वेल्थ टैक्सेस. अ वेल्थ टैक्स इज अ टैक्स ऑन अ पर्सन्स इंटायर नेटवर्थ. योर नेटवर्थ इज द कंबाइंड वैल्यू ऑफ योर एनुअल इनकम, पर्सनल सेविंग्स, investment amounts, property and real estate and other belongings like jewelry and collectibles. Ad valorem taxes. An ad valorem taxes is based directly on the value of a good, service or property. One of the most common ad valorem taxes in the US is property tax. The property taxes. When you buy a home, in addition to your mortgage and homeowner insurance, you will have to pay the property tax. This is an ad valorem tax based on the value of your property. City or a country governments usually collect the property taxes. Some areas also levy taxes, impose taxes by school district or according to their local districts. Next type is consumption taxes. A consumption tax applies when you purchase certain goods or services. These are often indirect taxes because even though the government is collecting the tax from a retailer, the person who buys the good is one pays the tax. A direct tax applies not to goods or transaction but to someone's income, profit or assets. Federal income tax and property tax are direct taxes. There are two types of the consumption taxes, are the sales tax and value added tax. Consumption tax ज़्यादातर indirect taxes होते हैं और इसकी दो common types हैं. Sales tax and value added tax. अब हम देखते हैं sales tax क्या है. Sales tax applies to goods or services you buy. You pay them at the point of sale. There is no sales tax at the federal level, but the states, cities and the local districts all have their own taxes. Not all places collect sales tax. And different areas charge the different rates based on what you are buying. For example, a state may collect 2% tax on groceries, but the 4% tax on all other goods. Sales tax is also a type of ad valorem tax. The amount you pay depends directly on the value of what you are buying. Value-added tax. A value-added tax, also called the VAT, applies to the goods and services you purchase. It is similar to the sales tax in that sense, but it's different because a VAT isn't just applied to the final sale price of a product. It applies at each state
of the production process based on the value that has been added to the product. Since the product is taxed throughout the production, the price you see in the store already includes the VAT. This is different from sales tax, which you pay in addition to the retailer's price. Excise taxes. An excise tax applies to the particular goods or services and activities. This is different from sales tax because it applies only to the specific transaction. Excise taxes are usually included in the price you see for product. Some excise taxes are ad valorem. When you buy an airline ticket, there is a 7.5% taxes included in the ticket price. Other excise taxes are same no matter the value of the product. For example, the federal government impose an excise tax of 18.4% on each gallon of regular gasoline. Whether a specific company was planning to sell you gasoline for $2 or $3 per gallon, the excise tax is still 18.4% per gallon. Each state also its own excise tax for gasoline. Excise tax are a very popular way for the federal and state governments to raise revenue. According to the Urban Brokerage Tax Policy Center, federal excise tax revenue in 2017 was more than $83 billion. Common excise taxes you will see at either the federal or the state level are on alcohol, tobacco, fuel, airfare, and telecommunication services. There are also health-related taxes like Affordable Care Act, individual mandate, and environmental taxes on pollution or gas emissions. While a bit outdated, you may also see the terms sin tax. This refers to the taxes on the product or activities that are considered harmful to the individuals or to the society as a whole. The excise tax on alcohol and tobacco are considered sin taxes, as are those on sugary drinks, gambling, and indoor tanning. The other types of taxes worth mentioning are the following. यहाँ पर कुछ और भी टाइप है जो कि हम डिस्कस करेंगे. For example, surtax. A surtax is a tax on something that is already taxed. ये एक ऐसा टैक्स है कि जो ऑलरेडी जिसके ऊपर टैक्स किया जा सका है चुका है. Surtaxes usually apply only to the individuals who are above a certain threshold. For example, all taxpayers contribute to Medicare through a Medicare tax. Single filers who earn more than $200,000 also have to pay a surtax of 0.9%. आसान एग्जाम्पल कि तमाम कंट्री के लोगों से सिटीजन से मेडिकेयर टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन जिन लोगों की इनकम $200 पर एनम से एक्सक्यूट करती है उनसे इस टैक्स के अलावा अलहदा भी टैक्स गिराया जाता है एट द रेट ऑफ 0.9%. उनकी वेजेस $200 या उससे एक्सीड करती हैं उससे 0.9% टैक्स दिया जाता है. ये एडिशनल टैक्स है, इसको सरटैक्स कहा जाता है. बिजनेस एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस. विद इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस यू जनरली पे टैक्स बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट यू मेड, योर टोटल रेवेन्यू. कॉर्पोरेट टैक्सेस
typically apply to a company's profit, which is revenue minus expense. What is the definition of profit in economics? Profit is equal to total revenue minus total cost. तो corporate tax जो है वो किसी company के profit पे charge किया जाता है. Corporate tax rate are also different from individual tax rates. Instead of the 7 marginal rates, the federal corporate tax rate is a flat 21%. Many states also have rates that are different from their regular income taxes. यहाँ पर ये बात तवज्जो तलब है कि जो इनकम टैक्स है जो किसी की सैलरी पे या वेज पे दिया जाता है उसके डिफरेंट किस्म के स्लैब्स होते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट में 7 स्लैब्स हैं. विद द इंक्रीज इन इनकम द रेट ऑफ टैक्स इज इंक्रीजेस बट द कॉर्पोरेट टैक्स विच द गवर्नमेंट इम्पोज ऑन द कंपनीज और कॉर्पोरेट लेवल प्रॉफिट इज अ फ्लैट 21%. For example, man's personal income tax rate start at 5.8% and go up to 7.15% across three income brackets. The corporate tax rates range from 3.5% up to 8.93% across 4 brackets. Tariff. A tariff is a tax on goods that cross national border. Tariff भी एक tax की type है, लेकिन ये किस पे लगता है? जब दो countries आपस में trade करती हैं, ठीक? What is trade or international trade? Trade is a buying of goods and services, whereas international trade is the buying of goods and services between two countries. A tariff is a tax on goods and services cross national border. The country imposing a good collects the tariff. In many cases, tariffs are a way for a government to bluster the local businesses or the level of paying field with the foreign competition. ज़्यादातर गवर्नमेंट जो हैं वो टैक्सेस या टैरिफ लगाती हैं इंपोर्ट्स पे लोकल बिजनेस को बूस्ट अप करने के लिए. हम लोकल बिजनेस को क्यों बूस्ट अप करना चाह रहे हैं? लोकल प्रोडक्ट्स बने ताकि लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका.